क्वेश्चन नंबर पहला दिया है एवरेज का, एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर 137 है जबकि 98 लड़कियों का औसत 124 है, क्लास का मिलकर औसत ज्ञात करना। इसका बेसिक मेथड हम करेंगे नहीं, यहाँ पे देखेंगे कि जो बॉय दिए गए हैं उनकी संख्या 42 है और जो गर्ल्स दिए गए हैं इनकी संख्या 98 है। इनका जो एवरेज दिया गया है 42 लड़कों का वो 137 है और 98 लड़कियों का जो एवरेज है वो 124। हम क्या करेंगे, एवरेज में जो संख्या होती है, इंडिविजुअल जो संख्या होती है, जैसे लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लेकिन उनका एवरेज नहीं, उनकी संख्या, तो हम आगे जाएंगे तो कॉपियों की संख्या, फिर देखेंगे कि रजिस्टरों की संख्या, जो संख्या दी रहती है इनको हम रेशो फॉर्म में बना लें तो अच्छा, क्योंकि लास्ट में जाते टाइम ये कट ही जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको रेशो में बना लेते हैं, कि हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। फिर हम इधर पे 137 और 124 के बीच में कोई संख्या खुद से मान लेते हैं जो हमें लगता है कि, देखो एवरेज जो होता है, एवरेज जो होता है वो हाईएस्ट संख्या और लोवेस्ट संख्या के बीच में होता है। जैसे आपके नंबर आए 98 एक सब्जेक्ट में और एक सब्जेक्ट में आए 42, तो दोनों सब्जेक्टों का जो एवरेज होगा 42 और 98 के बीच में ही होगा। इसी प्रकार 137 और 124 के बीच में ही इनका एवरेज आएगा। तो एवरेज जो आ जाएगा, मान लेते हैं 130 मान लेते हैं एवरेज जो है इनका 130 है, तो 37 से 130 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, और 124 से 130 से कितना कम है, 6 कम है, लेकिन 7 1 में कम है और 6 माइनस 6 1 में कम है, लेकिन हमें टोटल दिए गए हैं 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 7 गुणा 3 21 आ जाएगा। और 7 जो दिया गया है उसका 6 में गुणा करेंगे, 6 1 का है और 7 का माइनस 42, 21 और माइनस प्लस 42 कितने हो जाएंगे, माइनस 21, लेकिन हमें 3 और 7 में बांटने हैं टोटल, तो 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 2.1, माइनस 2.1 आ गया ओवरऑल एवरेज, लेकिन हमने माना कितना था 130, माइनस 2.1 आ गया, तो 130 में से माइनस 2.1 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 137.9। क्वेश्चन नंबर दिया है दूसरा, क्लास एक्स वाई जेड, क्लास एक्स वाई जेड का स्कोर जो है वो 83 है, औसत है, जो एवरेज स्कोर है 83 है एक्स का, पाई का 76 है और जेड का 85 है। छात्रों की जो संख्या दी है उनका अनुपात दिया है 27 और 36 और 45, क्योंकि जो संख्या होती है, पहले होता है जो संख्या होती है उनका रेशो लेना पड़ता है, रेशो ले लो एवरेज, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन चीजों का, तो रेशो ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, 9 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच का कोई भी संख्या मान लेंगे, हमने यहाँ पे 80 मान ली कि 80 है एवरेज, लेकिन 80 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये 80 से कितना कम है, माइनस 4 कम है, 76 में से 80 घटाएंगे माइनस 4, 85 में से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, लेकिन ये 1 का ज्यादा है, लेकिन हमें 3 में गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 3 में ज्यादा है, तो गुणा 3 और यहाँ पे गुणा 4 जोड़ देना है। इसको थोड़े और अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि हमारा जो एवरेज दिया था, जो हमने माना था वो 80 है, प्लस में हमें क्या कर देना है, हमारा 3 ज्यादा है लेकिन हमारा 3 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 गुणा प्लस में, तो 4 माइनस का है इसमें कर देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का, यानी कि यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो अंदर अंडर रूट हो जाएगा 4 गुणा माइनस 4 और प्लस में कर देंगे 5 गुणा 5 बटे में हम जो कर देंगे हमारा टोटल 3 4 5 12, तो 80 प्लस 3 गुणा 9 माइनस 3 16 प्लस 25 बटे में 12,
तो ये आ जाएगा 81.5, तो आ जाएगा 81.5। इस तरीके से भी कर सकते हैं। डन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है चौथा, 9 चीजों का औसत 87 है। 9 चीजों का औसत 87 है, पहली 5 चीजों का औसत 79 है और अगली 3 चीजों का औसत 92 है। 9 भी संख्या में ज्ञात करनी। तो पहली 5 का जो औसत है 79, अगली 3 का औसत जो है 92 है, तो जे हो गई 8, तो 9 भी संख्या हो जाएगी। इनका जो औसत दिया है वो 87 दिया है। हम 87 में टोटल औसत दिया है, लेकिन ये 87 से कितने कम है? 8 कम है। 8 कितने में कम है? 5 में कम है, तो आ गया -40। ये 92 है, 87 से कितने ज्यादा है? +5। लेकिन 5 किन में है? 3 में, तो हो जाएगा +15। तो ये कितने कम है ओवरऑल? -25। -25 कम है, तो -25 कम है तो 9 भी संख्या में 25 ज्यादा होंगे, तो 87 में 25 ज्यादा होंगे, तो आ जाएगा 112। तो 9 भी संख्या जो थी, 9th जो थी वो 112। 5 में कहा गया कि 7 संख्याओं का औसत 34 है। 7 संख्याओं का औसत 34, पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 47 है। अगली 2 संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है, तो 34 से कितना कम है? 6 कम है, लेकिन कितनों में? 3 में, तो 18 - 18 आ जाएगा। 47 है तो कितना ज्यादा है? 34 में 13 ज्यादा है, तो कितनों में? 2 में, +26 आ जाएंगे। तो टोटल ओवरऑल इनका जो आ जाएगा प्लस में 8 आ जाएंगे, यानी 8 ज्यादा है, तो हमें इन 2 संख्याओं में 8 कम करना पड़ेगा। 8 कम करना पड़ेगा 2 में, क्योंकि हमारे 6th और 7th नंबर जो है इनका हमें एवरेज याद करना है, तो -4 आ जाएगा, तो हमें -4 घटाना पड़ेगा जो हमारा एवरेज दिया गया है, तो 30 आ जाएगा। तो छठवां और सातवीं संख्या का एवरेज जो दिया है वो दिया है 30। तो उन बच्चों का, यानी 35 बच्चे हो जाएंगे, 35 बच्चों का जो एवरेज दिया है 13 साल 9 महीने, इन जो 5 बच्चे आए थे उनमें से सबसे छोटे वाले का, जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी जो उम्र है वो 9 साल 11 महीने। सबसे पहले क्वेश्चन में या तो हम ईयर में बदल लें पूरे को, या तो मंथ में बदल लें, एक मिनट तो बना ले कम से कम। हम मंथ में बदल लेते हैं सारे को, 14 साल 4 महीने को हमने मंथ बनाया, 172। 14 को 12 में गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो 172 आ जाएगा। 13 ईयर को 9 महीने जोड़ेंगे तो 165 मंथ आ जाएगा, और 11 साल और 11 महीने 9 साल, 12 नंबर 108 और 11 जोड़ेंगे तो 119। सबसे छोटे वाले का जो लड़का है उसका जो है 119 मंथ का है। तो हम यहां पे देखेंगे कि 172 एवरेज था 30 छात्रों का, लेकिन 5 छात्र नए आ गए तो एवरेज जो हो गया 165 हो गया। तो इस एवरेज में टोटल 7 की कमी आ गई, 172 में 7 की कमी आ गई पूरे 35 छात्रों की। तो हमें इन 5 छात्रों का ज्ञात करना है, इसलिए 5 का भाग दे देगा, तो इन 5 छात्रों का जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 123 इन 5 छात्रों का। क्योंकि हमें छोटे वाले लड़के को भगा देना है, और जब हम किसी भी लोवेस्ट चीज को घटा देते हैं एवरेज में तो एवरेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब छोटे वाले को यहां से भगा देंगे यानी कि निकाल देंगे, तो 123 में 119 घटा देंगे तो 4 हमें मिल जाएगा, यानी 4 हमारा साल बढ़ जाएगा, लेकिन 4 साल बढ़ रहा है 4 छात्रों में, हमारा 1 की वृद्धि हो जाएगी 123 में। इन 4 छात्र जो बचे हुए हैं इनके जो एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा 124 मंथ आ जाएगा। इनको हम ईयर में बदल सकते हैं, दैट्स राइट। दिया है यहाँ पे सातवां, 9 संख्याओं का अनुपात जो दिया है वो 79 दिया है। 9 संख्याओं का अनुपात जो दिया है 79 दिया है। पहली 2 संख्याओं का जो औसत है 75 है और अगली 4 संख्याओं का जो औसत है 87 है, तो बची कितनी संख्या है? 3 संख्याएं बची है और इनका औसत हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम औसत ज्ञात कर लेते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन दिया है वो पढ़ेंगे। तो ये जो दिया है 79 दिया है, ये 75 है, तो कितने कम है? 4 कम है। कितने में? 2 में कम है, तो -8 हो गए। ये कितने ज्यादा है? 8 ज्यादा है। 4 में ज्यादा है तो 32 हो गए प्लस के, जब जोड़ेंगे तो 24 ज्यादा हो जाएंगे। ये 24 ज्यादा है तो ये 24 हमें कम करना पड़ेगा,
लेकिन 24 कम करना पड़ेगा, तीन संख्या बची है में, तो माइनस के 8 आ जाएगा, तो माइनस का 8 हम पूरे औसत में से घटा देंगे तो 71 आ जाएगा। तो तीन जो लास्ट संख्याएं बची हैं उनका औसत 71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन में आगे कह रहा है उसमें कहा है कि आठवीं संख्या सातवीं संख्या से 5 ज्यादा है और नौवीं संख्या से 1 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सातवीं संख्या से 5 ज्यादा है x प्लस 5 लिख देंगे, और नौवीं संख्या से 1 ज्यादा है तो इसमें x प्लस 4 लिख देंगे, जिससे एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 71 जो आया था एवरेज आया था, तीन संख्याओं का जो एवरेज था 71 था, तीन में गुणा कर देंगे जिससे हमें पूरी संख्या पता चल जाएगी। तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 213, 3x बराबर 204, x की वैल्यू आ जाएगी 68। तो x दिया था 7, 7 7th जो हो जाएगा नंबर 68 हो जाएगा, 8 जो दिया था x प्लस 5 दिया था 73 हो जाएगा, 9 दिया था x प्लस 4 तो 72 हो जाएगा। और संख्याओं का औसत जो दिया है 20 है, ये देखो दो संख्याएं ये तीन संख्याएं, दो तीन संख्याएं, आठ संख्याओं का जो औसत है 20 है। तो पहली दो संख्याओं का औसत 15.5 है और अगली तीन संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। तो अगली संख्या में का औसत ज्ञात हमें करना है। तो यहाँ पे कितने कम है, 20 से 15.5 कितने कम है, 4.5, तो कितना माइनस आ जाएगा, माइनस के 9। और इधर पे देखो ये 21 सही 1/3 कितना ज्यादा है 20 से, 1 सही 1/3 ज्यादा है। उसको अच्छे फॉर्म में लिखेंगे, इन्फ्लेशन फॉर्म में लिखेंगे, 4/3 आ जाएगा। 4/3 ज्यादा है किन पे, 3 पे, तो 3 गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस के 4 आ जाएंगे। तो इधर पे कितना आ गया, माइनस के 5 आ गए। माइनस के 5 आ गए तो हम माइनस जो बची हुई संख्या हम माइनस में यानी प्लस जोड़ देंगे कि माइनस 5 हमें सेम बनाने, एवरेज बनाने के लिए 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ देंगे किन में, 3 में, तो ये आ जाएगा कितना, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 आ गया। तो 1 सही 2/3 आ गया किस पे, 20 पे। इन तीन संख्या जो बच जो रह गई थी छठी सातवीं और आठवीं, इनका एवरेज आ जाएगा 21 सही 2/3। तो हमें अगले सवाल में दिया है कि छठवीं संख्या है वो सातवीं संख्या से 4 कम और आठवीं संख्या से 7 कम है। जो दिया है x प्लस 7, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, ये आ जाएगा 65/3। 21 सही 2/3 का सरल फॉर्म हो जाएगा 65/3। ये किन का है, 1 का है, 3 का कितना हो जाएगा,